रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन लिखा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कहते हैं कि शो देट टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि ये इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये आप शो करें। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो हम देखते हैं कि ये किस तरह डायमेंशनली करेक्ट है या किस तरह डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन जो है वो दूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप ले ले, क्या ये प्रूव करते हैं हम या शो करते हैं प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड आप ले ले, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में टू ए एस, तो आपको पता है कि टू, तो आपको पता है कि ये टू है, ए एक्सेलरेशन है और एस जो है ये डिस्टेंस है। टू तो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, उसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक है, मत लिखिए। तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन टू, ए की डायमेंशन किस तरह है एक्सेलरेशन की, एल टी माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन है एक्सेलरेशन की, और एस की जो डायमेंशन है वो एल है, एल तो असल में एस क्या है, एल है, लेंथ है। तो आप इस तरह करें कि एक ब्रैकेट लिखे एल टी माइनस टू और वहाँ पे एल है, देखिए एल, एल क्या आता है एल स्क्वायर टू, यहाँ पे एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो ये एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड से डायमेंशन ये आया, दो को मत देखिए, टू को मत देखिए, यहाँ डायमेंशन देखिए आप एल स्क्वायर टी माइनस टू, सिर्फ डायमेंशन आप देखिए। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो आप ले ले, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो डायमेंशन देखिए, ये वी एफ जो है फाइनल वेलासिटी है और वी आई जो है ये इनिशियल वेलासिटी है, तो है तो वेलासिटी, ख्वाह वो इनिशियल हो या फाइनल हो, तो वेलासिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन है, आपको पता है ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, तो एल टी माइनस वन ये भी वेलासिटी है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर नीचे ले आए, ठीक है, एल स्क्वायर टी माइनस टू माइनस एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देखिए जनाब यहाँ पे डायमेंशन जो है दोनों सेम है, तो वो यहाँ पे कैंसिल करते हैं कि ये जो है वन है कोफिशेंट, यहाँ पे वन है, वन माइनस वन से ज़ीरो आता है, यकीनन वन माइनस वन से ज़ीरो आता है, लेकिन यहाँ अलजबर देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक्स प्लस एक्स है तो इससे आता है टू एक्स, क्योंकि बेस जो है वही लिखेंगे, कोफिशेंट आप जमा करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे एक एक कोफिशेंट आप माइनस करेंगे ज़ीरो आता है, लेकिन वो आप एक्स लिखेंगे, एक्स आप लिखेंगे। कोई अगर आपसे पूछे कि एक्स माइनस एक्स से ज़ीरो आता है, ये गलत है, अलजबरे में ज़ीरो नहीं आता, अलजबरे में एक्स माइनस एक्स से ज़ीरो एक्स आता है। किसी से आप पूछे एक्स माइनस एक्स अलजबरे में क्या आता है, एक्स माइनस एक्स से ज़ीरो एक्स आता है। तो यहाँ पर ये एक्स के तौर पे आप इस्तेमाल करें, यहाँ एक्स के तौर पे ये इस्तेमाल करें, तो एक माइनस एक से ज़ीरो तो आता है, लेकिन बेस जो है वही लिखेंगे आप एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए डायमेंशन आप देखिए, वहाँ पे कोफिशेंट जो है टू है, यहाँ पे कोफिशेंट ज़ीरो है, मैं भी मानता हूँ वहाँ पे कोफिशेंट टू है, यहाँ पे ज़ीरो है, लेकिन डायमेंशन वहाँ पे एल स्क्वायर टी माइनस टू है, यहाँ पे डायमेंशन जो है एल स्क्वायर टी माइनस टू है। तो मैंने अभी बताया कि ये जो है इक्वेशन ये करेक्ट है, राइट इक्वेशन है, तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। जब इक्वेशन राइट हो, करेक्ट हो, तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो भी राइट इक्वेशन होगी। किस तरह देखिए, यह एक मिसाल मैं देता हूँ, ये सवाल मुकम्मल हुआ, लेकिन ये बात आप नोट करें, मैं यहाँ भी बताता हूँ कि s इज़ इक्वल टू वी टी, ये एक इक्वेशन है स्पीड की या डिस्टेंस की, तो इस इक्वेशन की ये क्या है, राइट इक्वेशन है, तो डायमेंशन दोनों तरफ जो है सेम है, ठीक है, यहाँ पे l है, वहाँ पे एल टी माइनस वन है और वहाँ t है, तो ये आप कैंसिल करें, ठीक है, t या t कैंसिल, तो डायरेक्ट मैं करता हूँ l, दोनों तरफ की जो डायमेंशन है वो सेम है।
तो ये राइट इक्वेशन है, डायमेंशन भी सेम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन सेम हो और वो इक्वेशन भी राइट हो। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस इज इक्वल टू वी टी प्लस थ्री, ये इक्वेशन क्या है, राइट इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन जो है रॉन्ग इक्वेशन है, लेकिन दोनों तरफ की डायमेंशन फिर भी ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन दोनों तरफ करेक्ट हो, मतलब ये है कि दोनों तरफ सेम डायमेंशन हो तो वो इक्वेशन राइट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए डायमेंशन बिल्कुल उसी तरह है एल, और इससे भी इसी तरह एल आता है, क्योंकि तीन की डायमेंशन है नहीं, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन रॉन्ग है, ये इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशन दोनों तरफ सेम है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन भी करेक्ट हो और वही इक्वेशन भी राइट हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये नाइन्थ नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप नोट करें, बिल्कुल उसी में ये बात की है, ठीक है, वो आप नोट करें, नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू।